और उनके दौरे को देख, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट को देख, विरोधी पार्टियों में बड़ी घबराहट है। विरोधी पार्टियां डरी हुई हैं, बौखलाई हुई हैं, और इस डर और बौखलाहट के चलते विरोधी पार्टियां कोई शरारत, कोई नापाक कोशिश भी कर सकती हैं। मेरी पंजाब प्रशासन से, पंजाब पुलिस से यही बेनती है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में किसी भी विरोधी पार्टी द्वारा कोई शरारत ना की जाए, विरोधी पार्टी द्वारा कोई नापाक कोशिश मानयोग्य मुख्यमंत्री साहब के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की, उस कार्यक्रम में रोड़ा अटकाने की कोई कोशिश जो विरोधी पार्टियां करें वो ना होने दें। आप लोग अपना काम तगड़े होकर पूरी इंडिपेंडेंस के साथ करें, किसी पार्टी का गुलाम बिना बने। प्रशासन से बस मेरी यही बेनती है कि विरोधी पार्टियां कोई भी शरारत कर सकती हैं, कार्यक्रम में डिस्टरबेंस पैदा करने की वो आपसे बेनती है कि आप लोग कार्यक्रम में कोई भी डिस्टरबेंस ना पैदा होने दें। कुछ ही घंटों में माननीय मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी आपके सामने होंगे, सभी मीडिया के दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सर, कांग्रेस जूते प्रमोशन लगाए गए, पहले दिल्ली का सुधार किया जाए फिर पंजाब में आया जाए। मैं वही कह रहा हूं, केजरीवाल साहब के पंजाब आने से विरोधियों के छक्के छूट गए हैं, उनके अंदर डर आ गया है, उनको नजर आ रहा है कि कैप्टन और अकालियों की रली मिली सरकार, साठ गांठ वाली सरकार अब जान रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने वाली है। अपने हाथ से सरकार जाते देख कैप्टन सरकार भी, उनकी पार्टी भी, अकाली पार्टी भी घबराई हुई है, डरी हुई है, और इस डर की वजह से वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीएम साहब की सिक्योरिटी में भी किसी भी टाइप का शरारत करके डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। तो मेरी पंजाब प्रशासन से यही बेनती है कि केजरीवाल साहब के और आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम में कोई डिस्टरबेंस ना पैदा होने दें, तगड़े होकर इंडिपेंडेंस के साथ पंजाब पुलिस अपना काम करे। कौन कौन से चेहरे हैं सर जो आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो आम आदमी पार्टी में? अब तो कुछ ही मिनटों की बात रह गई है, आपके सामने क्या प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में क्या होगा वो सारी चीजें आप सबके सामने आ ही जाएंगी। कुछ ही मिनटों की बात है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। सर, प्रगट सिंह से भी आपकी बातचीत चल रही है पार्टी की? मैं किसी भी इंडिविजुअल पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, इंडिविजुअल्स पे कमेंट करना ठीक नहीं है। एक चीज जरूर कहूंगा, आपने कुछ नेताओं का नाम लिया, पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा, और केजरीवाल सरकार ने जैसे दिल्ली को खुशहाल बनाया, उस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसमें मोहल्ला क्लिनिक आपके घर के बाहर खुला है, जहां प्राइवेट एजुकेशन से ज्यादा बढ़िया दिल्ली के सरकारी स्कूल हो गए हैं, जहां दिल्ली में हर बंदे के घर में मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त पानी आता है, ऐसा मॉडल, ऐसी खुशहाली पंजाब में भी आनी चाहिए, और ऐसी खुशहाली लाने के लिए बहुत लोगों को साथ आना पड़ेगा। हर उस आदमी का स्वागत है जो पंजाब की खुशहाली चाहता है, जिसकी दिल की धड़कनें पंजाब के लिए धड़कती हैं, अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए नहीं धड़कती। दो नेताओं के बेटों को नौकरी दी गई, उस पर सवाल खड़े किए गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह
कैप्टन ने सौ चुकी घर घर नौकरी पक्की, ये स्लोगन दिया था कैप्टन साहब ने 17 के इलेक्शन से पहले। और तब हम सब पंजाब वासियों को लगा कि शायद हमें नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं पता था कि जो कैप्टन साहब का स्लोगन है वो सिर्फ अपने एमएलए और मंत्रियों के घरों में नौकरी बांटने का है। 5 साल में सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने 3 नौकरियां दी हैं और तीनों अपने एमएलए के बच्चों को, बेटों को, मुंडों को, 3 नौकरियां। ये है कैप्टन साहब की गवर्नेंस। मुझे लगता है कि ऐसी निकम्मी और ऐसी बेशरम सरकार पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में और कोई नहीं होगी, जिस हिसाब से अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी पार्टी का अंदरूनी कलेश सुलझाने के लिए अपने एमएलए के बच्चों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब के लोगों से, क्या आपको नौकरी मिली? क्या आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली? क्या आपके पूरे पिंड में किसी को नौकरी दी कैप्टन ने? क्या आपके पूरे हलके में किसी को नौकरी दी कैप्टन ने? क्या आपके जिले में किसी को नौकरी दी कैप्टन ने? किसी को नौकरी नहीं दी, 3 लोगों को नौकरी दी और तीनों अपने एमएलए के बेटों को। जब भी केजरीवाल साहब आते हैं तो इंतजार रहता है सभी को कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया जाएगा, और अब तो चुनाव बहुत पास आ गए हैं। नहीं, उसके लिए, उसके बारे में आने वाले समय में आपको बताया जाएगा। नहीं, आपको आने वाले समय में सारी जानकारियां दी जाएंगी। आज का जो कार्यक्रम है, हमें इंतजार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का पंजाब आने का, और आकर आप सबसे वो रूबरू होंगे, बहुत जल्दी आपसे अपनी दिल की बातें वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने पुलिस प्रशासन के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को भी बता दिया। कल रात को मैंने खुद पुलिस ऑफिसर्स जो सूबे की सरकार में सबसे उच्च स्तर पे हैं, टॉप पे हैं, उनसे बात करी और उन्हें भी बताया कि विरोधी पार्टियां, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, ये डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, इनके पैरों के नीचे से जमीन सिरकती जा रही है और अपनी सत्ता को बचाने के लिए, इस बादल और कैप्टन की रली मिली सरकार को बचाने के लिए ये लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के कार्यक्रम में डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी लैप्स कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का खनन कर सकते हैं। उनकी शैतानी से और उनकी डिस्टर्बेंस से पंजाब पुलिस चौकन्नी हो जाए और इंडिपेंडेंस के साथ तगड़े होकर निष्पक्षता से इन विरोधी पार्टियों को, नापाक कोशिशों को रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं हमारे मुद्दे जायज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।